यूक्रेन यूरोप में रशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश, जो कि यूरोप के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। सोवियत यूनियन के विघटन के बाद से इस देश को आज़ादी मिली, लेकिन रशिया के साथ एक लंबी सीमा होने के कारण यूक्रेन यूरोपीय यूनियन से नहीं जुड़ पाया। रशिया ने तमाम कोशिशें की कि यह देश यूरोपियन यूनियन से बाहर रहे, और इसी कारण से रशिया ने यूक्रेन पर हमेशा दबाव बनाकर रखा। हालांकि 2014 में यूक्रेन ने यूरोपियन यूनियन के साथ जुड़ने की कोशिश की थी, जिसके कारण रशिया ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। और जब जब यूक्रेन यूरोपियन यूनियन या नाटो के करीब जाने की कोशिश करता है, तब तब रशिया यूक्रेन की बॉर्डर पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा देता है। साथ ही अब रशिया ने यूक्रेन के पूर्वी भागों पर भी अपना दावा ठोक दिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दबाव यूक्रेन पर बने। और कई विशेषज्ञों का तो यह भी कहना है कि कहीं ये विवाद तीसरे विश्व युद्ध का रूप न ले ले। खैर, अपने को क्या है, अपन शुरुआत करते हैं इतिहास से। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। मेरा नाम है विकास, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूक्रेन के इतिहास की। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो रशिया और यूक्रेन का इतिहास एक जैसा ही है, दोनों ही स्लाव जाति के देश हैं। वैसे तो रशियन रिवॉल्यूशन के बाद यूक्रेन अस्तित्व में आया था, लेकिन अगर इतिहास में देखें तो कीवन रस साम्राज्य वह साम्राज्य था जिसे यूक्रेन के इतिहास से जोड़ा जाता है। 10वीं और 11वीं शताब्दी में यह साम्राज्य यूरोप का दूसरा सबसे ताकतवर साम्राज्य था, और कीव शहर इस साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शहर था। कीवन रस साम्राज्य का गोल्डन एरा व्लादिमीर द ग्रेट के शासनकाल के साथ शुरू हुआ था। ये वही राजा थे जिन्होंने पहली बार इस्लाम और यहूदी धर्म को छोड़कर ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म को अपनाया था। अब व्लादिमीर के समय यह साम्राज्य काफ़ी शक्तिशाली तो था, लेकिन व्लादिमीर के ही एक निर्णय ने साम्राज्य को आने वाले भविष्य में कमज़ोर कर दिया था। दरअसल व्लादिमीर ने अपने साम्राज्य को अपने सभी 5 बेटों में बराबर बांट दिया, और कीव की रियासत अपने सबसे बड़े बेटे यारोस्लाव को दे दी, और यह नियम बनाया कि बाकी सभी अपने बड़े भाई का सम्मान करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की रियासत की मदद करेंगे। अब ये नियम थोड़ा सा अलग था, क्योंकि होता ये था कि राजा का कोई एक बेटा ही पूरे साम्राज्य का राजा बनता था, लेकिन यहाँ पूरे साम्राज्य को ही सभी बेटों में बराबर बांट दिया, फिर उनके बेटे और फिर उनके बेटे, जिस कारण से यह साम्राज्य कई सारी रियासतों में बढ़ गया। और अब ये सभी रियासतें साम्राज्य के लिए आपस में ही लड़ने लगी, इसलिए कमज़ोर तो होना ही था, और कमज़ोर हुआ ऐसे समय में जब पूर्व से एक आंधी आ रही थी। वह आंधी थी मंगोलों की। 13वीं सदी में मंगोलों ने यहाँ आक्रमण किया, और इस आक्रमण में कीव शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। कहते हैं कि 1240 में मंगोलों ने कीव शहर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। मंगोलों के जाने के बाद यूक्रेन सहित बेलारूस का सभी हिस्सा गैलिसिया और बोहेमिया किंगडम के अधीन रहा। इसी बीच पोलैंड के सम्राट कासिमिर थर्ड ने गैलिसिया और बोहेमिया किंगडम पर कब्जा करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना विजय अभियान 1340 में शुरू किया, और लिथुआनिया ने इरपेन की लड़ाई में कीव शहर पर कब्जा कर लिया। 1366 तक यह पूरा क्षेत्र पोलैंड और लिथुआनिया के कब्जे में आ गया। आगे चलकर करीब 1569 में ल्यूबेस्की यूनियन ने पोलैंड लिथुआनियाई कॉमनवेल्थ की स्थापना की, जिसके कारण बहुत बड़ा यूक्रेन का क्षेत्र पोलैंड के नियंत्रण में आ गया। दोस्तों, हम पहले ही पोलैंड लिथुआनियाई कॉमनवेल्थ पर पोलैंड वाले वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर आपको वह वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए। तो दोस्तों, अब जब यह क्षेत्र लिथुआनिया के कब्जे में था तो ठीक था, क्योंकि लिथुआनिया के शासक ठीक ठाक थे। लेकिन जैसे ही यह क्षेत्र पोलैंड के कब्जे में आए तो यूक्रेनियन लोगों के साथ जातियां होना शुरू हो गई। ज़्यादातर यहाँ के लोगों का शोषण यहाँ के कैथोलिक चर्चों ने किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि कई यूक्रेनी इस धार्मिक प्रताड़ना से दूर भागने लगे। इन भगड़ों को बाद में कोजक्स कहा गया, यानी कि डाकू कह लो या बहादुर यूक्रेनी, जो कि पोलैंड के शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू कर रहे थे। और इन्होंने 1648 तक पोलिश किंगडम के खिलाफ क्रांति शुरू कर दी, जिन्होंने सफलतापूर्वक कीव शहर पर कब्जा कर लिया। उन्होंने कोसेक हेटमेनेट की स्थापना की, जो कि यूक्रेनियन लोगों का खुद का साम्राज्य था, जो कि अगले 100 सालों तक चला। 1764 में इस साम्राज्य को रशियन एम्पायर ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया, और यूक्रेन की सारी भूमि अपने नियंत्रण में ले ली, क्योंकि कोसेक हेटमेनेट ने स्वीडिश रशिया युद्ध में रशिया के खिलाफ स्वीडन का साथ दिया था, जिसमें रशिया के जार पीटर द ग्रेट ने स्वीडिश एम्पायर को बुरी तरह हराया था, और फिर कोसेक साम्राज्य को पीटर द ग्रेट के गुस्से का सामना करना पड़ा। इसलिए 1764 तक
रशियन एम्पायर ने यूक्रेन की सारी भूमि अपने नियंत्रण में ले ली। हालांकि रशिया यही नहीं रुका, आगे चलकर रशिया की जरीना कैथरीन द ग्रेट ने प्रशिया और ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1795 तक पोलैंड को भी आपस में बांट लिया। आगे चलकर 17वीं शताब्दी के अंत में यूक्रेन में राष्ट्रवादियों का उदय हुआ, जो कि रशियन एम्पायर से अलग अपना राष्ट्र चाहते थे। साथ ही रशियन एम्पायर की गरिमा भी कम होती जा रही थी। एक तो रशिया जो कि क्रीमिया वार में हार चुका था, और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जापान से भी युद्ध हार चुका था। फिर आया प्रथम विश्व युद्ध का समय, जिसमें यूक्रेनियन लोगों ने दोनों ओर से भाग लिया। करीब 2.5 लाख यूक्रेनियन सैनिकों ने रशिया के खिलाफ ऑस्ट्रो हंगरी सेना का साथ दिया, और लाखों यूक्रेनियन सैनिकों ने रशियन सेना का भी साथ दिया। जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ तो ये दोनों ही एम्पायर खत्म हो चुके थे। रशियन रिवॉल्यूशन के बाद रशिया सिविल वॉर की चपेट में था, जिसके कारण यूक्रेनी राष्ट्रीय आंदोलन उभरा और यूक्रेन की पीपल्स रिपब्लिक पार्टी ने 25 जनवरी 1918 को यूक्रेन की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। लेकिन जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हुआ, पश्चिमी यूक्रेन पर पोलैंड ने कब्जा कर लिया, और पूर्वी यूक्रेन पर, जिसमें कीव शहर भी शामिल था, 1922 तक सोवियत यूनियन का गणराज्य बन गया। सोवियत यूनियन में शामिल होने के बाद स्टालिन ने यूक्रेन की संस्कृति और भाषा को खत्म करना शुरू कर दिया, क्योंकि स्टालिन को यूक्रेन के राष्ट्रवादियों का डर था कि कहीं ये राष्ट्रवादी आगे चलकर विद्रोह न कर दे। कहा जाता है कि स्टालिन के रवैये के कारण लाखों यूक्रेनवासी अकाल और भूख से मारे गए थे। जो भी स्टालिन का विरोध करता, या तो उसे मृत्युदंड मिलता या साइबेरिया में निर्वासन। फिर आया दूसरा विश्व युद्ध, जब हिटलर की नाजी आर्मी ने सोवियत यूनियन पर हमला किया, और जब जर्मन सैनिक यूक्रेन में घुसे तो यूक्रेन वासियों ने जर्मन सैनिकों का स्वागत किया, क्योंकि यूक्रेन वासियों ने जर्मन सैनिकों को अपना मसीहा समझा। अब भले ही हिटलर खुद को महान नेपोलियन बोनापार्ट जैसा वार जनरल समझता हो, लेकिन असल में वो था नहीं, क्योंकि अगर हिटलर चाहता तो इन यूक्रेन वासियों की मदद से और बड़ी सेना बना सकता था। लेकिन हिटलर ने इन बेचारों की मदद के बजाय उल्टा इन्हीं पर जुल्म शुरू कर दिए। यहाँ के यहूदियों को तो तुरंत ही मार दिया गया, और कई यूक्रेनियन लोगों को जबरदस्ती मजदूरी के लिए जर्मनी ले जाया गया। यूक्रेन आगे चलकर सोवियत यूनियन और नाजी जर्मनी के बीच की लड़ाई का प्रमुख स्थान बन गया। इस दौरान लाखों यूक्रेनियन सैनिकों ने सोवियत यूनियन का साथ दिया, और कुछ यूक्रेनियन सैनिकों ने सोवियत यूनियन और नाजी जर्मनी दोनों के ही खिलाफ लड़ाइयां लड़ी। इस युद्ध के कारण यूक्रेन के कई सारे शहर बर्बाद हो चुके थे। हालांकि इस युद्ध से यूक्रेन को फायदा भी हुआ, क्योंकि युद्ध के बाद जो हिस्सा पोलैंड, रोमानिया और चेकोस्लोवाकिया के कब्जे में था, जो इतिहास में कभी मूल रूप से यूक्रेन के हिस्से थे, वो सभी हिस्से यूक्रेन को वापस मिल गए। लेकिन सोवियत यूनियन से आज़ादी नहीं मिली, और यूक्रेन सोवियत यूनियन का गणराज्य बना रहा। हालांकि यूक्रेन में राष्ट्रवाद कभी खत्म नहीं हुआ। कोल्ड वॉर के समय यूक्रेन ने कई बुद्धिजीवी खिलाड़ी और राजनेता सोवियत यूनियन को दिए, जैसे निकिता ख्रुश्चेव, जो कि 1930 के दशक में यूक्रेनी कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव रह चुके थे, लियोनिद ब्रेजनेव, जिनका जन्म यूक्रेन में ही हुआ था। इस दौरान यूक्रेन को चेर्नोबिल परमाणु रिएक्टर जैसी घटनाओं का भी सामना करना पड़ा था। फिर आया 1990 का साल, जब सोवियत यूनियन अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और यूक्रेन के राष्ट्रवादी अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए उत्सुक थे। 21 जनवरी 1990 को करीब 3 लाख से अधिक यूक्रेनी लोगों ने अपनी आज़ादी के लिए मार्च निकाला, जिन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। अंत में 16 जुलाई 1990 को यूक्रेन में नई संसद का गठन किया गया और यूक्रेन को संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। आगे चलकर 2 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक लोगों ने फिर से प्रदर्शन किए, ताकि यूक्रेन यूएसएसआर से कोई और संधि पर हस्ताक्षर न करे, और सरकार को लोगों की बात माननी भी पड़ी। आगे चलकर 24 अगस्त 1991 में यूक्रेन की संसद ने स्वतंत्रता अधिनियम को अपनाया, और 1 दिसंबर 1991 में जनमत संग्रह कराए गए, जिसमें 90% से अधिक लोगों ने आज़ादी चुनी, और लियोनिद क्रापचुक यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति बने, जो कि पहले कम्युनिस्ट नेता थे लेकिन अब राष्ट्रवादी बन गए। दोस्तों, आज़ादी के बाद से यूक्रेन ने 1999 तक मंदी का सामना किया, जिसके कारण यहाँ की सरकारों को लगातार लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा, और तब से लेकर अब तक यूक्रेन बीच मझधार में फंसा हुआ है। या तो वो यूरोपियन यूनियन की तरफ जाए या रशिया की ओर,
यहाँ के लोग यूरोपियन यूनियन की ओर जाना चाहते हैं, लेकिन पुतिन नहीं चाहते कि यूक्रेन वेस्टर्न की ओर जाए। और यही कारण भी है कि रशिया 2014 में पहले ही क्रीमिया पर कब्जा कर चुका है और पूर्वी यूक्रेन के हिस्सों पर भी अपनी नजर गड़ाए बैठा है। यूक्रेन के कारण पहले ही रशिया और यूएसए के संबंध काफी बिगड़ चुके हैं, इसलिए कई विशेषज्ञों का मानना है कि यही कारण वर्ल्ड वॉर 3 का कारण न बन जाए। तो दोस्तों, वर्तमान में क्या चल रहा है इसके बारे में बहुत से वीडियो है, इसलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।